दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 के 60वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 54 रनों से शर्मनाक मात दी और अब इस जीत के बाद जहां पंजाब की टीम अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखी है तो वहीं इस शर्मनाक हार के बाद अब बेंगलुरु की टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के लिए खतरा मंडरा रहा है और इसी वजह से पूर्व कप्तान कोहली काफी गुस्से में नजर आए और अपनी टीम के लिए बेहद ही बड़ी बात कह दी है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। दोस्तों आखिर कोहली ने अपनी टीम के लिए ऐसा क्या बड़ा बयान दिया है यह तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं क्या बेंगलोर की टीम अपने आखिरी मुकाबले में गुजरात की टीम को हरा पाएगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों करो या मरो के मुकाबले में बेंगलोर की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों फ्लॉप साबित हुई। पहले तो टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए। आपको बता दें पंजाब के 5 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद पंजाब की 209 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो गई। तो आपको बता दें बेंगलुरु की टीम पर पंजाब के सिर्फ 2 बल्लेबाज ही पूरी तरह से हावी हो गए। जी हाँ, इंग्लैंड के 2 दिग्गज बल्लेबाज एक तरफ जॉनी बेयरस्टो तो दूसरी तरफ लिविंगस्टोन ने आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। बेयरस्टो ने 66 तो वही लिविंगस्टोन ने 70 रन बना डाले। आपको बता दें इस दौरान गेंदबाजी में जोस हेजलवुड ने 4 ओवर में रिकॉर्ड 64 रन दे डाले। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं गेंदबाजी की कितनी धुनाई की गई। वहीं गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने भी बेंगलुरु को निराश किया। 200 से भी ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 35 रन ही सबसे बड़ा स्कोर था जो मैक्सवेल ने बनाया था और यही वजह थी कि बेंगलुरु की पारी का जब 20 ओवर खत्म हुआ तो टीम बोर्ड पर सिर्फ 155 रन ही टांग पाई और 54 रनों के बड़े अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कोहली से लेकर डुप्लेसी, कार्तिक सभी आज बल्ले से पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। वही दोस्तों जहां इस जीत के बाद पंजाब की टीम प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखी है तो बेंगलुरु की टीम के लिए अब प्लेऑफ की राह बेहद ही मुश्किल हो गई है। आरसीबी की यहां 13 मुकाबलों में 6ठी हार रही और अब प्लेऑफ की किसी भी संभावना को बनाए रखने के लिए बेंगलुरु को अपने आखिरी मैच में जीत दर्ज करनी होगी। वही दोस्तों अपनी टीम के इस शर्मनाक हार और प्लेऑफ से बाहर होने के डर पर पूर्व कप्तान विराट कोहली का गुस्सा जमकर फूटा और बयान देते हुए कहा, हमने इस आईपीएल के पहले हाफ में शानदार शुरुआत की लेकिन दूसरे हाफ में हम लड़खड़ा गए। आज हमारे लिए ये मैच बेहद महत्वपूर्ण था लेकिन आज हमने तो और भी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों डिपार्ट में हम फ्लॉप साबित हुए। दोस्तों कोहली ने आगे कहा, अभी हमारे पास एक आखिरी मौका है, हमें किसी भी हाल में गुजरात को हराना होगा ताकि हम अपने प्लेऑफ में बने रहने की थोड़ी सी भी संभावना को बचा सके। अब गुजरात के खिलाफ हमारा मुकाबला करो या मरो का है जिसके लिए हमारे बल्लेबाजों को बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बेंगलुरु की टीम गुजरात को हरा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।